हंगामा है क्यों बरपा, अकबर इलाहाबादी की लिखी इस गजल की तरह मेरा भी यही सवाल है, आखिर हंगामा क्यों? शाहरुख खान की फिल्म पर ठिठुरती ठंड में पठान को लेकर जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, आखिर उसकी असल वजह क्या है? विरोध तक तो ठीक है, मगर ये उपद्रव क्यों? अहमदाबाद में जिस तरह एक संगठन ने तोड़फोड़ की और एक्टर के पोस्टर को तहस नहस किया, आखिर ये क्या था? आपने खूब उपद्रव किया पर क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं। आप खामखा के चिलम चिली करते रहे और इस बीच पठान महज कुछ सुझावों के साथ सेंसर बोर्ड से पास हो गई। अब चंद दिनों में रिलीज भी हो जाएगी, अब तो आप लोगों ने ट्रेलर भी देख लिया है, लेकिन आपका क्या होगा जनाब आली जो खामखा का उपद्रव करते रहे? फिल्म से ना तो भगवा बिकनी का सीन हटा और ना ही फिल्म का नाम बदला गया। बोर्ड ने फिल्म को बिना बदलाव के हरी झंडी दे दी, जिस पर कुछ लोग खामखा का बवाल कर रहे थे। अगर एक बात तो साफ है, अगर कुछ आपत्तिजनक होता तो सेंसर बोर्ड की कैची से नहीं बचता। अगर उपद्रव करने वालों को सेंसर बोर्ड पर भी यकीन नहीं है तो उनका क्या ही किया जा सकता है। बीते कुछ दिनों पहले एक संगठन ने अहमदाबाद के मॉल में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की। उन्होंने पठान के बेशरम रंग गाने को मुद्दा बनाया, वजह थी दीपिका पादुकोण की द्वारा पहनी गई भगवा बिकनी। इन्होंने धमकी दी कि ये फिल्म को रिलीज नहीं होने देंगे। जिस तरह इन्होंने मॉल में गुंडागर्दी की, पोस्टर में शाहरुख खान के चेहरे को कुचला, ये दिखाता है कि कितनी क्रूरता है। मेरा सवाल इन सभी महापुरुषों से ये है कि आखिर आप ये बवाल क्यों कर रहे हैं? अगर हंगामा करना ही है तो थोड़े जबराट मुद्दे लाइए, थोड़ी सी रिसर्च कीजिए। एक फ्री की सलाह भी दे रही हूँ कि उपद्रव ना फैलाएं, बल्कि शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध दर्ज करें, ताकि आपकी समझदारी विषय पर लोगों को सोचने को मजबूर कर दे। शाहरुख खान ने अपने करियर की शुरुआत करीब साल 1988 में कर दी थी। उन्होंने पहले फौजी सर्कस जैसे टीवी शोज किए और फिर फिल्मों का रुख किया। हालांकि इस दौरान उन्होंने कभी भी किसी को निराश नहीं किया। उनका मुसलमान होना किसी के लिए कभी आहत का कारण नहीं बना। हर साल लगातार धमाकेदार फिल्में देने वाले शाहरुख खान पिछले 5 सालों से सिल्वर स्क्रीन से गायब रहे। साल 2018 में आई फिल्म जीरो, जो कि दर्शकों को एंटरटेन करने में चूक गई, शाहरुख खान को भी उसने निराश किया। अब जब वह 5 साल बाद पठान से वापस कर रहे हैं तो फैंस के बीच में एक अलग उत्साह है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मातम मना रहे हैं। उनकी आंखों में शाहरुख खान कांच के टुकड़ों की तरह चुभ रहे हैं। इसलिए नहीं कि उनकी फिल्म आ रही है, बल्कि इसलिए कि वह मुसलमान हैं और आपके मुताबिक उनकी मूवी के एक गाने में ये भगवा रंग को बेशरम कह दिया गया है। अरे यार, ये दोनों ही बातें आपकी घटिया दिमाग की उपज है। धर्म के नाम पर देश को तोड़ना बंद कीजिए, सही जगह पर दिमाग लगाइए और अपना उद्धार कीजिए। शाहरुख खान ने इतने सालों के करियर में कभी किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाया है। ये लोगों के दिमाग का कीचड़ है जो अपनी गंध से सब जगह छीछा लेदर किए हैं। आज शाहरुख खान मुसलमान हो गए, लेकिन उस समय क्या था जब राहुल और राज बनकर वो आपके दिलों पर राज कर रहे थे? तब कहाँ गई थी आपकी गिरी हुई ये सोच? धर्म के नाम पर अपनी दुकान चलाना बंद कीजिए और नफरत मत फैलाइए। अब एक और चीज़ समझते हैं जिस पर विवाद हुआ। शाहरुख खान की फिल्म पठान का गाना बेशरम रंग आया तो उसने कुछ ही सेकंड में व्यूज़ के मामले में रिकॉर्ड तोड़ दिया। वह चंद मिनटों में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला गाना बन गया। फैंस को तो ये गाना खूब पसंद आया, लेकिन कुछ ने इस गाने में खामियां निकालना शुरू कर दिया। उन्होंने सबसे पहले इसमें अश्लीलता का मुद्दा उठाया और फिर उन्होंने भगवा रंग को तार तार कर दिया। दीपिका पादुकोण ने इस गाने में कई तरह के वैसे तो कॉस्ट्यूम पहने हैं, लेकिन लोगों को सिर्फ एक ही चीज़ दिखाई दी, ऑरेंज कलर की बिकनी। और दिमाग देखिए, गाने का टाइटल जो था उसे इस रंग से जोड़ दिया और कहने लगे कि भगवा रंग को बेशरम कहा गया है। सबसे पहले सवाल ये कि क्या पहली बार इस रंग की बिकनी पहनी गई है? नहीं ना, तो अब विरोध क्यों? बीजेपी के एक नेता ने तो दीपिका पादुकोण को टुकड़े टुकड़े गैंग की समर्थक बता दिया। आप एक बात बताइए, ये महाशय रंग पर आपत्ति जता रहे हैं या फिर दीपिका पादुकोण के जेएनयू जाने वाले मुद्दे को भुना रहे हैं? रंग पर तो किसी का कॉपीराइट नहीं है। ये आपके दिमाग ने लोगों को रंग और धर्म के नाम पर बांटना शुरू कर दिया है। रंग पर ही विवाद बढ़ाना है तो काला, नीला, सफ़ेद सब पर कीजिए। जैसे सफ़ेद रंग हिंदुओं के में अशुभ माना जाता है, यहाँ तक कि नई नवेली दुल्हन को जब ऐसे रंग पहनने की इजाज़त ही नहीं होती है। काला के साथ भी ऐसा ही सीन है। हरा तो आपने मुसलमानों के लिए तय कर रखा है, ऐसे तो फिर कुछ रंग के कपड़े पहनने चाहिए हिंदुओं को।
अब आते हैं बेशरम रंग गाने पर, जिससे लोगों को सबसे ज्यादा आपत्ति थी। तो पठान के गाने बेशरम रंग में कुछ लोगों को न्यूडिटी दिखे, लेकिन क्या आपने कभी उन गानों पर गौर किया है जिसे आज तक आप लोग आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे? ये जिस्म क्या है, भीगे होठ तेरे, आशिक बनाया आपने, और इस तरह के ढेरों गाने हैं जिसमें बोल सीन्स की भरमार थी। अच्छा, एक बात और, कैटरीना कैफ ने भी भगवा साड़ी में जो पानी में डांस किया था वो याद है ना? कंगना रनौत का रिवॉल्वर रानी वाला लुक भी याद कर लीजिए। इसलिए अश्लीलता के नाम पर विरोध करने से पहले इस बात पर भी गौर कर लीजिए कि आपने अभी तक क्या क्या देखा है। वैसे एक बात और आपको याद दिलवा देती हूँ, जब जब बेवजहों के मुद्दों को लेकर उपद्रव किया गया है, मेकर्स को इसका फायदा हुआ है। अगर वाकई आपको फिल्मों से या उसके सीन से प्रॉब्लम है तो आप शांतिपूर्वक विरोध कीजिए, क्योंकि आपकी जरूरत से ज्यादा समझदारी मेकर्स को फायदा दिलवा सकती है। पद्मावत, माय नेम इज खान से लेकर ए दिल है मुश्किल जैसी कई फिल्में हैं जिस पर खूब विरोध हुआ, लेकिन बाद में ये बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। फिल्मों को लेकर एक बात बहुत ही सटीक कही जाती है कि फिल्में समाज का ही आईना होती है, जो समाज में हो रहा होता है फिल्मों में हूबहू उसको दिखाया जाता है। ये समाज की सच्चाई भी होती है, तो ये समाज को सही मैसेज देने का काम भी करती है। पठान भी इसी हकीकत का एक हिस्सा है। पठान का मकसद भी मैसेज देना ही है। आप पहले इसे देखिए और फिर अपना फैसला सुनाइए। नमस्कार, मैं थी वर्षा नवभारत एंटरटेनमेंट से।